बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मेरे प्यारे से व्यूअर्स? मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। और आज हम बना रहे हैं, एक रेसिपी बना रहे हैं जो कि सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है और एनर्जी वाली है। और अभी हम इसको खुद ही घर में बनाएंगे। आप घर में इसको ईजिली बना सकते हैं और बहुत जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और सस्ती भी पड़ेगी आपको घर में बनाने में। तो आज हम एनर्जी वाली बार बना रहे हैं, बूस्टर बार बना रहे हैं, जो कि जिम करते हैं, जो डाइट करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। विदाउट शुगर बनाएंगे, मज़े की बात है, विदाउट शुगर बनेगी। नहीं गुड़ इसमें डालेंगे, नहीं शुगर डालेंगे, ना ही हम और कोई सिरप डालेंगे, सिर्फ हम डेट्स के साथ बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसको कितना इजी है बनाना घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए अभी हम आपको बताते हैं जो अपना एनर्जी बार बना रहे हैं उसके लिए हमने किन चीज़ों को यूज़ किया। उसके लिए हमने एक प्याली में डेट्स डाल के रखी हुई हैं, उसकी हमने गुठली निकाल दी है, साथ हमने कुछ आलमंड्स लिए हैं, साथ हमने लिनसीड लिए हैं। हम आपको दिखाते हैं ये कौन से वाले हैं। ये वाले हैं, ये बहुत ही अच्छे और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक टेबल स्पून वो लिए हैं और साथ ही हमने कोकोनट लिया है और साथ ही हमने ये सनफ्लावर के सीड लिए हैं और साथ हमने एक और सीड हैं जिनको चार मगज़ बोलते हैं, ये वाले लिए हैं। साथ हमने कैशू नट लिए हैं और साथ हमने एक टेबल स्पून बटर लिया। अगर आपके पास पीनट बटर हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। और ये चीज़ें डाल के तो अभी हम बनाना शुरू करेंगे अपना हेल्थ या एनर्जी। सबसे पहले हम अपनी जो डेट्स हैं उनको हम ग्राइंड कर लेंगे मशीन में डालकर, इसको अच्छा सा हम पीस लेंगे। पीस के आपको दिखाते हैं, इसको हमने पीस कर रख लिया। अभी हम इसी जो अपना जार है इसके अंदर हम डालेंगे बादाम्स को। हमने इनको पीसना नहीं, बस हमने एक ही दफ़ा मशीन को चलाना है और इनको मोटा मोटा मोटी मोटी कंडीशन में जब हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। एक ही दफ़ा बस हम इसको घुमाएंगे और रेडी कर लेंगे। हमने ना इसको ऐसे मोटा मोटा, आप हाथ की मदद से भी मोटे मोटे काट सकते हैं और इस तरह भी, अगर एक दफ़ा ना हो तो आप दो या तीन दफ़ा देख लें। बस हमने इनके तकरीबन दो पीस करने हैं बादाम के, कैशू नट के दो से तीन पीस कर लें। तो ये मैंने तीन दफ़ा किया तो ये इससे ये हो गया बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपने हाथों से काटा हुआ हो। तो हमने इसको मोटा मोटा करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। तो ये भी हमारा रेडी हो गया। हम अपने सीड डालेंगे और उनको भून लेंगे, इनको थोड़ा सा हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे। ये बहुत ही नाइस जो हमारा बार बनेगा, आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं और आपको ये कम कीमत पे ये चीज़ें ला के खुद घर में बना के रख सकते हैं। ये देखें रेडी हो गए, इनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं बिल्कुल हल्की आँच पे, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम अपने जो हमारा कोकोनट और बादाम वगैरह है वो डालेंगे और इनको भी हल्का सा भून लेंगे। भूनने से बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है। बादाम, कैशू नट, कोकोनट को थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे। रोस्ट हो जाते हैं तो रोस्ट होने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी बादाम के अंदर हम अपने सीड भी डाल देंगे। हल्का सा भूनेंगे हल्की आंच पे, बहुत हमारे रोस्टेड बार बनेंगे यम्मी, विदाउट शुगर, विदाउट गुड़ और एनीथिंग, विदाउट एनी सिरप। हमारे बादाम और कैशू नट भी हमने उनको भून लिया, अभी अब इनको भी हम डिश आउट कर देंगे। Thank you.
हमने अपना जो बार का जो मिक्सचर है सारा वो रेडी कर लिया। आप सेसमी सीड डाले हैं ऊपर और उसके ऊपर हमने कोकोनट डाला है और इसको हमने सेट कर दिया और थोड़ी देर के लिए इसको हम रख देंगे। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट करके थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको हम फ्रिज में रख देंगे। देखिए जी हमारी सीरियल बार जो है वो तैयार हो चुकी है। एनर्जी बार हमारी हेल्थी वाली बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी जो खाते साथ आप भागना शुरू कर देंगे। और हमने आपको बता दिया, आप बहुत बनाएं और खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये सीरियल बार